चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश यादव ने रहुआ की शेरे हिंदुस्तान। होली के मौके पर पूरे भारत के साथ साथ नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म रिलीज होते ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस के साथ साथ नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से पहले सप्ताह ने सिनेमाघरों में जबरदस्त भीड़ देखी गई, उसके शानदार बिजनेस के बाद निरहुआ को बिहार, झारखंड और भारत के सभी सिनेमाघरों में शानदार दूसरा सप्ताह प्रवेश कर लिया गया। यानी कि निरहुआ का जलवा एक बार फिर से भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे सप्ताह भी बरकरार रहने वाला है। आपको देखिए, मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो फिल्म को करीब 70 से ज्यादा सिनेमाघरों में दूसरा सप्ताह प्रवेश मिला है। खास करके निरहुआ के देशभक्ति अवतार में भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। निरहुआ के दमदार देशभक्ति डायलॉग पर भोजपुरी दर्शक जमकर सिनेमाघरों में सीटी बजाते हुए नजर आते हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। खास करके निरहुआ नेपाल के खूबसूरत वादियों में जोरदार रोमांस के साथ साथ जोरदार एक्शन पैक अंदाज में नजर आते हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक निरहुआ की देशभक्ति फिल्म शेरे हिंदुस्तान नहीं देखा है, तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको निरहुआ का देशभक्ति अंदाज शेरे हिंदुस्तान में कैसा लगा, और उनके गानों को जरूर हमें कमेंट करके बताएं, उनके गानों को आप लोगों ने कितना पसंद किया।